मालिक। क्या हुआ, वो लोग आए नहीं अभी तक? आ जाइए मालिक। कौन से देश से आ रहे हैं? लंदन से। लीजिए मालिक। नहीं नहीं, पहले मैं अपने पोते को देखूंगा। जीती रहो। पैदा होकर 3 साल हो गए, आज देख रहा हूँ। अब से यही रहेंगे ना? अरे आजा 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 मेरे लाल आजा। पूछा था ना क्या हासिल किया है? ये देखो, ये मेरी बीवी भारती और ये मेरा बेटा। ये मेरा खास दोस्त है भाभी। कृष्णा। सुधामा। अपना किशन विदेश से खूब कमाकर हमारे लिए गांव आ गया है। यहाँ हमारे लिए शुगर फैक्ट्री भी लगाना चाहता है। यही नहीं, हर घर से एक को नौकरी, पिताजी के ख्वाहिश के मुताबिक फायदे का आधा हिस्सा गांव वालों के लिए। क्या हुआ? ये हमारा शिवा जैसा दिख रहा है। शिवा क्या है ये? शराफत से पैसे दे दो। अरे रास्कल्स, विश्वासघाती कुत्तों, तुम्हें क्यों पैसे देना? ए किशन, तू ठहरना, मैं हूं ना। पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। चुप करो। पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। क्या रे प्रेमराज, क्या है ये? मैं कृष्ण, तू सुदामा, मुझे मार दिया क्या रे? मुझे पैसा चाहिए, विदेश जाना है। मैं तेरा सेक्रेटरी नहीं हूँ। अबे पागलो, अगर जरा भी गलती हो जाती तो हम सब मारे जाते। प्रेमराज, बंटवारा करो। हिस्सा नहीं रे, मौत दे रहा हूँ। नहीं नहीं प्रेमराज, नहीं। जब तक जिंदा हूं तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा। अरे तू तो मेरा पार्टनर है। गांव की भलाई चाहते थे, लेकिन चोर रकम लूटकर रघुवीर मालिक और उनके खानदान के साथ प्रेमराज शेरू। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, चलो 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 भाई, जल्दी चलो, सामान रखो। मुझे ऐसे अचानक क्यों बुलाया? ये बोरे में क्या है? ये लुटेरों ने मालिक को मारकर पैसा मुझे दे दिया है। अरे चल बैठना। तुमने जरूर कुछ किया है, आप समझ गई ना? बक मत, चल बच्चे को मुझे दे, ला ला। नहीं। अरे देखो पुलिस। रुक, पैसा चलो। अरे साला, अपने लिए तो पैसा ही जिंदगी है। जाना महालक्ष्मी आ जाओ। अबा गरम गरम है नोट भाई, नोट गरम गरम नोट। आधा दे पूरा ले। सिटी में असली नोट से हमारे नकली नोट ज्यादा है। नमस्ते भाई। क्या रे आशीष? हाँ भाई, पर्सनल डिलीवरी है। प्रिंटिंग पूरी हो गई क्या? हो गया भाई, पैकिंग की ही देर है। पिछले महीने दंगे में 10 आदमी मारे गए, अब नए लड़के चाहिए। हाँ भाई, पुलिस सर्चिंग ज्यादा हो गई, लैंड डीलिंग में काम आएंगे। 100 करोड़ की आबादी में छोकरे नहीं मिलेंगे क्या? जाओ एक को तलाश करो। वाइस, भाई यही वो लड़के हैं। एसिड एसिड दुर्गेश। तेरा नाम क्या है? अपुन लक्की लाखन। तू? राजू रामपुरी। ये गांजा बेचता है साहब, अपुन का नाम ब्लेड से में पॉकेट मारता है। दादागिरी करता हूँ, लोगों को टपकाता हूँ, दुश्मनों के दिल में रहता हूँ। बापरे, ये सिर्फ खाना और सोना जानता है। इसे ऑफिस बॉय की जगह दे दो। तुम सबको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तनख्वाह देंगे, चुपचाप अपना काम करो। हाँ सर, हाँ सर। जाओ। हे, जल्दी करो भाई। हाँ? इतना पैसा ले जाना रिस्क नहीं क्या? क्यों नहीं रहता रे, एक तरफ पुलिस वाले, दूसरी तरफ दादू का गैंग। पिछले दंगों में लड़के मारे गए, इसलिए फ्रेश तुम आए। आ, आ, आ,
दल के कब कब होंगे? जनरली 3-4 महीने तक कोई फसाद नहीं होंगे, एक एक बार टाइम खराब हुआ तो। क्या बनी है, क्या जबान है इसकी? अरे एसिड, सुना है नोटों की प्रिंटिंग बहुत अच्छी आई है और नोटों की छपाई ओरिजिनल जैसी है ना? पहले दिन क्या लफड़ा है? ये छोकरे कौन है? नई बैच है क्या? फुलन राजा, टाइम हो गया, डिलीवरी देना है। अरे तुम्हारा टाइम हो गया, मेहनत तुम्हारी कमाई हमारी। मैं कहाँ छुपाऊँ, अब किसी को नहीं मालूम। ऐसी भाई तुम क्या? ए कौन रे? ये है गैंग लीडर। क्या रे, साइकिल पे आके ऐसे ही मार देगा? साइकिल पे आना तुम सबका बैंड बजाना भूल गए क्या? अकेला ही आकर तुम सबको शमशान पहुंचाया, याद नहीं है क्या? कौन है रे तू? क्रांति। कंत्री क्या? दोस्तों के लिए जान देने वाला क्रांति, पर कमीनों के लिए कंत्री। मैं कौन हूँ जानता है क्या? दादू, दादू भाई का आदमी हूँ। पहले ये बता, तुझसे डरूं या दादू भाई से डरूं? पूरे शहर का दादू भाई दादा है, उससे डरना? तब तो ये बाल बराबर है। ए, दादू भाई का राइट हैंड हूँ, मुझसे डरना तू? तो दादू भी मेरे बाल बराबर है। ए, ए, तेरे जैसे हजारों को देखा हूँ, है ना? मैं लाखों में एक हूँ। ऐसी फिल्म दिखाऊंगा, सीन पूरे धांसू होंगे। वायलेंस ज्यादा होगा। दादू का राइट हैंड तोड़ दिया, लेफ्ट हैंड कोई है क्या? क्या? हाँ, हाँ, तू दे रे। निकलो, निकलो, चलो, 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 दादू भाई। हाँ? इस बिल्डिंग की वास्तु ठीक नहीं, लोग कह रहे हैं।
ईस्ट की तरफ अजर नहीं रहना चाहिए। फलास, तू जिधर खड़ा है वही वास्तु है, तुझसे ज्यादा वजनदार कौन है रे? फूलन राजा कहाँ है रे? वो माल कहाँ है? ये लो। पीआर हांगकांग में है, फिर भी शेरू अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर रहा है। सैंपल ठीक है, माल कहाँ है? इतना ही मिला। ये क्या मजाक है? हाँ मजाक नहीं सच है। इतने सारे आदमी ले जाकर फिर भी खाली हाथ आए हो, क्या हुआ? माल ला रहा था बॉस। वो कोई नया छोकरा अचानक आकर पीटा। तारे दिखा दिया भाई। वो पीआर का माल भी अच्छा है और गैंग भी अच्छी है, मुझे ऐसे बेवकूफ क्यों मिले? स्कॉच चाहिए सालों को। क्या रे नानू, क्या हुआ? तुम्हारा राइट हैंड कहते हाथ तोड़ दिया भाई। जाने दो, 50,000 तो ले आया, पेट्रोल के पैसे बचे। क्या रे झटका लगा क्या? सोमो की चाबी दे रहा? वो सोमो उड़ा दिया भाई। ए क्या है रे ये नया नोट? गंत्री भाई। नहीं नहीं क्रांति 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 अगर नहीं आता तो पूरा माल चला जाता था। ऐसे काम के लिए ऐसा ही आदमी चाहिए। कहाँ रहता है रो? रे माल है ये तो, कोई अनाथों का अड्डा लग रहा है। अरे अगर लड़कियां फूल तोड़ती है तो बालों में लगा लेती है, तू किधर लगा रखा बे? कौन है रे तू? रैम्बो, अनाथ हूँ। ये सब कौन है? हेलो बेटा, तेरे जैसे पापी के लिए प्रेमालय में जगह नहीं है। अगर तू अपाहिज होता तो शायद मैं विचार करता। मैं कोई अनाथ या फुटपाती नहीं हूँ। फादर ये अपने क्रांति के लिए आया है। हाँ बेटा क्रांति, तुम्हारे लिए कोई उम्र दराज बेटा आया है। चलो चलो चलो, चलो। जंग खाया हुआ बेटा। एसिड एसिड दुर्गा। बाथरूम धोने का एसिड क्या? एसिड पावर से पूरा सिटी। अच्छा, पूरी सिटी के बाथरूम तू ही साफ करता होगा। कल तबीयत ठीक न होने से। बकवास बंद कर, बात क्या है बता। मेरे बारे में नहीं सुनेगा क्या? ठीक है भाई ने याद किया, चल। भाई कौन भाई? भाई को नहीं जानता। जहाँ तक भाई का सवाल है, पूरी इंडिया में मुन्ना भाई से बड़ा और कोई भाई नहीं है। उससे हटकर कोई है तो वो अपुन है, समझा? मैटर बता। पिया के बाद शुरू है, बुलाया चल। बुलाने से नहीं आऊंगा, एडवांस चाहिए। इतने दिन से काम कर रहे, तनख्वाह मिलना बड़ी बात है। नौकरी करने वालों को तनख्वाह, जिनसे काम लेना है उनको एडवांस। तेरी समझ के बारे फोन लगा। भाई ये एडवांस मांगता है क्या? अरे क्रांति एडवांस मांगता है क्या? एक ही फाइट में हीरो बन गया क्या रे? एक फाइट? हम फाइट में मशहूर हैं। कल एडवांस नहीं लिया ना? कल तुम्हारे आदमियों ने जो देखा वो जस्ट ट्रेलर, ट्रेलर फ्री। अब उनकी फिल्म देखना हो तो एडवांस बुकिंग कंपलसरी। एक बार टिकट लेके अंदर घुसोगे जितना चाहो मसाला मिलेगा। भाई ये हमारे काम का आदमी है। भाई ऐसे तो उसे 1,00,000 रुपए फेंक दे। ठीक है, हमें तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं इसको, मगर एडवांस। ए ये फादर को दे दे, महीने का खर्च निकल जाएगा। मुझे थैंक्स नहीं कह सकता घमंडी? ए तू सिर्फ घमंड देखा, पागलपन नहीं, बचपन से ऐसा हूँ। चल फट हटो। टुडेस वेदर रिपोर्ट, इट इज लाइकली टू बी क्लाउडी स्काई, हाउएवर देयर इज नो चांस ऑफ रेन। वैशाली ने बारिश के पानी से नहाने का डिसाइड कर लिया। इट विल हैपन। बारिश के पानी से ही मैं चेहरा धोऊंगी, ये तो मैंने रात में ही ठान लिया था। इट विल हैपन। वैशाली कॉलेज का टाइम हो रहा है, चलो जल्दी चलो। दीदी एक दिन तुम जरूर हीरोइन बनोगी। टॉलीवुड बॉलीवुड नहीं, मैं तो हॉलीवुड के लिए करेक्ट हूँ। वैशाली बारिश तेज हो रही है, जल्दी आओ ना। वैशाली ने चाहा कि बारिश रुक जाए तो बारिश रुक जाएगी। टन टडा। बाय डैड।
वर्षाली आ गई है ना, अब बारिश नहीं होगी। Why this umbrella? लेकिन तुझे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? जो मैं सोचती हूँ वो हो जाता है। क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। नॉटी गर्ल्स, वैशाली को देखो, पहाड़ों के बीच बर्फ में ढकी हुई, शिमला एप्पल जैसी है। Hey, don't you have brain? ए काला जामुन, चुप रह, नकली नाक पे टपरीशन। वो तुझे छेड़ रहा है। तुझे छेड़ रहा है, मेरी तो तारीफ कर रहा है। Vaishali is enjoying it. इस लड़की को साड़ी पहना दी जाए, हिमाचल प्रदेश में बनारस का मंजर दिखेगा। वैशाली को गुस्सा मत दिला। अदाकारी की दुम नहीं जानते, अदाकारी करने चले। इसे क्या हमें? अदाकारी माँ, हाँ समुंदर है। ये समुंदर का गेंडा है। आओ, क्या रे, ये ऋतिक बच्चन से पंगा। चलो चलो चलो, आओ आओ आओ, चलो चलो, तुम प्रैक्टिस करो। कहाँ, ऐसे करो। गुस्से वाली औरत लालची मर्द कभी खुश नहीं रह सकते, इसे बता दे। गुस्से वाली औरत लालची मर्द। वेरिएशन कहाँ है? मैं किस तरह किया, तू क्या किया? आप में हमें फर्क क्या है? मैन और डॉबरमैन में जितना डिफरेंस है। आओ, आओ। नेक्स्ट मंथ टैलेंट सर्च में किसे हीरो बनाए? मुझे हीरो, हीरो, मुझे, मुझे। तू कहाँ रे? यहाँ। ये नक्शे में प्याज क्या है? बाल लाने के लिए नींबू और चमेली का तेल, हर एक दवाया लगाया गुरु। एक काम कर। क्या है गुरु? टोपी पहन, बर्दाश्त के बाहर चल फुट। हाँ। इस ऋतिक बच्चन से टक्कर नहीं लेने का, नवरस को नींबू की रस की तरह पी गया। ऐश्वर्या, ये नाट्य की अदाएं क्या है? अभिनय आने ऐसा आ, आ। क्या भरतनाट्य इतना भयंकर होता है? सॉरी सर, देर हो गई। इट्स ओके, हिरन की फर्स्ट क्वालिटी यही है। किस लिए सर? सिली क्वेश्चन, तुम्हारे लिए। इतने लोगों के होते हुए मुझे क्यों दे रहे हैं? मेरे पास एक ही है। थैंक यू सर। चलो हटो 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 हटो। सर, मेरा हीरो कैरेक्टर है। क्या रे, डायरेक्ट ही मेकअप करके आ गया? पुलिस ट्रीटमेंट सर। हाँ, थोड़ा पुलिस वालों का टचअप है। प्रोग्राम में मेरा कैरेक्टर कौन सा सर? स्क्रिप्ट रेडी है, जा स्पाइडरमैन का ड्रेस सिला ला। अगर सूरत नजर नहीं आई तो ये ऋतिक बच्चन मैनेज करेगा। वीरू जी, सूटकेस रीच। मिनिस्टर है क्या? वीरू जी कैसे हैं? वो पीआर जब तक हांगकांग में मैं ठीक कैसे रहूंगा, मेरे हर बिजनेस में हिस्सा चाहता है। उसके यहाँ काम किया था ना, उसी का फायदा उठा रहा है साला हरामी। कहीं मेरा भाई उससे पंगा न ले, उसी को टेंशन है मुझे। तुम तो खुशी से? ए, ऐसा कुछ भी नहीं, बच्ची की शादी में बिजी हूँ ना, इसीलिए बच्ची की शादी का गिफ्ट भिजाया हूँ। हाँ 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 हाँ, फिर ये लड़कियाँ? वो तुम्हारा गिफ्ट है। नहीं, ध्यान से सुन पिए, तू इंक्वायरी बिठाया गया क्या करेगा मुझे पता नहीं। लॉ के सब दाव पेच इस्तेमाल करो, वो पीआर का बच्चा मगर दो दिन में इंडिया में रहना। कुछ भी कर वरना। ए मिनिस्टर, तेरे से नहीं हुआ तो बोल, उसको मैं ही उड़ा दूंगा। प्रेम राज पीआर ब्रैकेट शराब चीप लिकर के स्टेज से, जाली नोट एग्जॉशन इलीगल एक्सपोर्ट शिपिंग हांगकांग से चलाने के लायक बन गए हो। एफआईआर रूमर्स, सारे सबूत इंडियन गवर्नमेंट के पास है, इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया है। इंडिया में तुमने जो चालबाजी की वो यहाँ पर भी कर रहे हो, होम मिनिस्टर खुद इसे पर्सनली जांच कर रहे हैं। होम मिनिस्टर रघुवर्धन ही है ना, वो अपनी बेटी की शादी कर रहा है ना। पहले तुम्हारी शादी करने के लिए कहा, सुनने के लिए कुछ भी नहीं है। ये लो टिकट, शाम को निकलना है, तुम्हारा टाइम खत्म। इंडिया में अब टाइम क्या है? ये टीवी किसने लगाया, कौन लगाया? अरे सोमू, ये फिल्म किसने निकाला?
क्यों जेपी, डीवीडी क्वालिटी कैसी लगी? पायरेसी जैसा नहीं लग रहा है ना? आज तक जी टीवी, स्टार टीवी, सोरी टीवी सभी टीवी चैनलों के सामने मेरे आदमी डीवीडी के साथ तैयार खड़े हैं। अरे रे 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 रे। ये अगर टेलीकास्ट हो गया तो मुझे टीवी में एक्टिंग करके जीना पड़ेगा क्या? नहीं शेरो बोल मुझे क्या करना है। सर वी आर स्टार्टिंग बाय इवनिंग। अरे वो अंग्रेज की औलाद हिंदी में रोना। सर पहले अर्जेंट जाकर पीआर के पैर पकड़ ले, नहीं तो ऐसा करिए सिर ले जाके उनके पैर पे रख दे, मैं माफी मांग लूंगा। क्या हुआ सर? और नहीं तो क्या, जिंदगी में इतनी उम्र गुजार कर ऐसे अश्लील ऐड करके जी नहीं सकता है क्या जिंदगी? सॉरी कह दूंगा। मिनिस्टर से कहो पीआर कौन है पता चलेगा, वो जब चाहेगा तभी आएगा, क्या बोलोगे? पीआर अगर आना चाहता है तो आता है, पीआर को कोई नहीं ला सकता। इस तरह घबराती हुई आवाज से मेरा नाम सुनना मुझे पसंद है, तुम्हें गर्मी कुछ ज्यादा है। कूल डाउन ऑफिसर, मेरे पास ब्रोकर की तरह काम करने वाला मुझे ही धोखा देने की सोच रहा है। कुत्ते की तुम टेढ़ी, उन भाइयों के बारे में सोचते हैं। ए, आठ दाल तीन और कोई है क्या खेलने वाला? डांटो। अभी तुम ही याद कर रहे थे, तुम ही आ गए। थैंक्स। क्या है रे? नंबरी खेल। भाई अब तक 5000 बना लिया। अच्छा अब बताऊंगा मेरा टक, चलो खेलेंगे जूनियर। पहले पैसे रख रे। ओरिजिनल। मेरा लकी नंबर एक छः। पता नहीं शेरू की क्या कॉमेडी है, काम होने के बाद राव से पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसे भाई आया। वो एग्जीबिशन राव सेटलमेंट का पैसा देता नहीं और फोन भी नहीं उठा रहा है। अगर पीआर को पता चला तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम जाकर उसका हिसाब देखो। दो दिन में इसका फैसला करूंगा। हर बार ये कैसे जीतता? बाप रे, सिगरेट से कमाल दिखाकर हम सबकी जेब खाली कर गया कंत्री साला। आर्टिस्ट कोई आसमान से नहीं उतरते, हम ही लोगों में से कोई आते हैं। आगे बढ़िए, इंद्रधनुष के रंगों जैसा वेरिएशन लाइए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए। सॉरी रॉन्ग टाइमिंग, रस्टी टाइमिंग है। सर मैं क्या करना? तुम लड़कियों की तरफ बहुत घूर रहे हो, आज से अंधे बने रहो। मैं आंखों से अंधा हूं बाबू। चुप है। आज से गूंगा भी। अरे कैरेक्टर में डूब जाना चाहिए, मुझे देखने से कोई मास्टर समझेगा, एक अच्छा सा काम वाला समझेगा। या तो मेरे को चलो। क्या लग रहे हैं मास्टर जी? आज सुबह उठते ही सोचा था कि एग्जीबिशन देखूंगी और शाम तक प्रोग्राम सेट। वैशाली इसके बकबक ने दम कर रखा है, आज इसे जरूर सबक सिखाएंगे, चाहे 1000 रुपए खर्च क्यों ना हो। इशिका माँ खाना खाना पानी पीना नींद तो सोना ली ली। पूछ लो पूछ लो। मदर चाइना फादर चेन्नई, मेड इन चाइना नेम ली। तोता कहाँ है? तोता खा गया होगा। फिर ये पत्ते क्या है? टोरोट कार्ड्स, फॉर्चून कार्ड्स, इसमें 100 का नोट रखते ही। तुम में से अंबानी फैमिली कौन? भिकारी फैमिली कौन बताऊंगा? तुम्हारे ज्योतिषी पे तुम्हें इतना भरोसा है क्या? मा? सुनने वाला चाहिए। ली कार्ड ले। एंटर द ड्रैगन। तुम पैदा होते ही डॉक्टर फट क्या? हाँ जी, हार्ट अटैक। अब तुम उठाओ। Snake in the monkey shadow, 36 chamber of Shaolin, Adwa, Adwa, lifelong kumari reh jaogi, no doubling. Wow, meri chaina ki mummy. Naturally. तुम्हारी मामूली राशि नहीं है, लाखों में एक होती है, जो चाहेगी वही होगा, सबसे धनवान खूबसूरत लड़का आकर तुमसे शादी करेगा।
ये राव एक धोखेबाज है, शायद इसे कोई मार रहा है। ली मारो। कुछ नहीं, क्लोज फ्रेंड है, बात कर रहे हैं, तुम चले जाओ चले जाओ। लैंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, धंधा भी बढ़िया चल रहा है। किसकी वजह से? पीआर है ना, तो फिर पैसा क्यों नहीं दिया? दे दूंगा भाई, फूलों में रख के दे दूंगा। अगर नहीं दिया ना, उन्हीं फूलों से तेरी लाश सजाऊंगा। फोन कर। हेलो यार भाई, मैं भाई एग्जीबिशन राव बोल रहा हूँ, पैसे कल ही दे दूंगा भाई। मेरा गन मुझे ही लगाया भाई, गन निकालो। बोलो भाई, फोन उसे दो। ठीक है भाई, हेलो। अरे एसिड नहीं, क्रांति। पैसे दे देगा, छोड़ दो भाई, कल ही दे दूंगा भाई। नहीं दिया तो ऐसे इस्तेमाल करूंगा। नहीं भाई। क्या मस्त आइटम है बाप। एक क्रांति, एक क्रांति, क्रांति उसको पटाना पटाना। ए क्या लड़की है, बाप रे बाप। हंस की तरह है। तेरे को ऐसा लगा क्या? फिक्स हो गया। क्या आपका नाम हंसा है? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे रफ स्टाइल से लड़कियां पटेंगी, ये तुम्हारा वहम है। क्रांति वहम है। क्रांति हमारे दोस्त का नाम। क्या कंत्री? क्लैरिटी हो तो क्रांति, कंफ्यूजन हो तो कंत्री। नाम जो भी हो, कैरेक्टर वही है। अरे तो बड़ी लड़की है रे, जो चाहे वही होता है। Girls, wait. Anytime. Lee here. उस राव को सबक सिखाने के लिए एक कार्ड फ्री। ली हाँ, पता नहीं कौन है, बहुत हिम्मत वाला है। सही कहा, बहुत हिम्मत वाला है। सिर्फ 100 रुपए में दुनिया की सैर, प्लाज्मा टीवी, लैपटॉप। इसका लक आज टेस्ट करेंगे। ओहो छोड़ ना, फिर जीतूंगी, फिर घर ले जाना पड़ेगा। अच्छा, स्टेट में हमारे 24 ब्रांचेस है, अगर हर एक को प्राइस दी जाए हम फकीर हो जाएंगे। आओ ट्राई करो। अपने कंपनी को 500 फायदा। तुम भी ट्राई करके देखो, आज दुकान जल्दी बंद करना है। I think he's finished. Over. रात को राव पर हमला करने का प्लान किया। ऐसा नहीं रे भाई, गलती हो गई शुरू भाई। हेलो भाई, पेमेंट। ये क्या भाई, ये कंत्री कहाँ से आटा पा भाई? गन यहाँ लगाया भाई, अब तक घबराहट नहीं गई। डर के मारे पीआर को फोन किया, सॉरी कह देना। एसिड भाई देख लेना, सब करेक्ट है। जाता हूँ मैं। पीआर को फोन? अरे एसिड क्या है रही है? नमस्ते भाई। पेमेंट दे दिया हूँ भाई। बाप रे, इसका राजपन बहुत हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। क्या रे जूनियर, तेरा बहुत बढ़ गया बाल। क्या, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कटिंग करानी पड़ेगी। ये क्या काम किया, राव के साथ तेरा क्या रिश्ता है? किया वो सही था, अपन बेवकूफी नहीं कर रहा, सिर्फ एडवांस लेता नहीं, एडवांस में काम भी करता है। ए, पीआर को फोन क्यों किया रे? गन पट्टी पे गन लगाया तो वही फोन किया। इस तरह डायरेक्ट पीआर को फोन नहीं करने का, भूल मत बीच में मैं भी हूँ। तुम ठहरो भाई। ओ जूनियर, वो राव बेटर तुझे कैसे मालूम? केबिन में तू और शेरू बात कर रहे थे ना, हमारी बातचीत तुझे कैसे सुनाई दी? जहाँ तक दिखाई देता है वहाँ तक मैं सुन सकता हूँ। क्या मैं इतना बेवकूफ नजर आ रहा हूँ? तू जाकर केबिन में बात कर, मैं बोलता हूँ। बोलेगा क्या? अच्छा बोलूं? ये कंत्री मेरी मौत बनकर खड़ा है, साला शेरू देने की तनख्वाह बस नहीं होती। उस राव से जो पैसा मिला थोड़ा अंदर करने गया, पिट गया। अगर ये काले शेरू पे भरोसा किया तो पिट जाऊंगा। अब वो बोला हो गया, आ रहा हूँ। कुछ बताया क्या? कौड़ी की तनख्वाह, काली सूरत। भाई तुम मेरे लिए भगवान हो, भगवान को गाली दिए तो जाने का नहीं, इसीलिए ऐसे कहा। अरे देखो शेरू भाई, आप उसको बताओगे वो मुझे ही बताएगा। राव गोवा चला गया तो 10 दिन तक नहीं आएगा, इसीलिए ऐसा किया। हेलो, क्यों रे, राव के पैसे मिले? हाँ मिल गया। वीरू और उसके भाई का टाइम खत्म हो गया,
अपने तीन लोगों को भेजो। किसे भेजोगे? बैरागी। बाबा एसिड। पासपोर्ट रेडी कर दो। ठीक है बेटा। ए एसिड, तुम तीनों हांगकांग जा रहे हो, पीआर का काम है, पासपोर्ट रेडी करो। हाँ हाँ बैरागी। देखा ना जूनियर, कितना भी एडवांस काम करे सीनियरिटी के हिसाब से चांस मिलता है। टेंशन में हो क्या? मुझसे जरा बच के रहो, पीआर से कह के नेक्स्ट टाइम तुझे भी ले जाऊंगा। पीआर। हाँ भाई, स्पीकर ऑन करो, मेरे बारे में होगा, इसे भी सुनना चाहिए। अरे शुरू बोलो पीआर। एसिड किस लिए? काम कम बातें ज्यादा। वो राव के पैसों का मैटर सॉल्व करने वाला छोकरा कौन है? क्रांति। क्रांति फास्ट लग रहा है, उसे ही भिजवा। ओके। मुझे नहीं ले जाएगा क्या? सीट दे। वाओ विंडो सीट। अरे ये तो वोल्वो बस जैसा ही है। अब चुप भी रहो। देयर योर सीट। एसी इसमें से आता है? हाँ। उसमें से जाता है। अच्छा। अरे बाप रे, हंसा। तुम यहाँ कैसे? हांगकांग जा रहा हूँ, तुम और मैं इस फ्लाइट में। आहा क्रांति, क्या लक है तेरा। नो बट आई एम अनलकी। बेटी वैशाली। कौन है बे? इनको देख के मुझे तरस आता है। बहुत पैसा देकर टिकट खरीदा है। सभी मेरी तरह लकी नहीं होते डैड। डैडी मतलब ससुर जी। अभी आया। हेलो सर, अपन क्रांति, वैशाली का फ्रेंड। क्या काम करते हो? पीआर एक्सपोर्ट्स में क्वालिटी कंट्रोल करता हूँ। बड़ी कंपनी है। बॉस से मिलने हांगकांग जा रहा हूँ। अच्छा तो आप लोग कंफर्टेबल हो ना? कंफर्टेबल। ठीक है ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पीछे मेरे असिस्टेंट से कहना। मैं और असिस्टेंट? नहीं तो मैं क्या। शायद पसंद आ गया। क्या पागल लोग आ रहे हैं। वाओ फैबुलस। हाय, वेलकम टू सिंगापुर। ये लो। अबा इंतजाम ठीक है ना? क्या आपने स्क्रैच किया? नो, मेरी बेटी वैशाली ने। नाइस टू मीट यू। सॉरी, शी इज माय वाइफ, शी इज माय डॉटर वैशाली। हर ड्रॉ में विनर। टीवी, फ्रिज, वाटर हीटर, एयर कूलर, फ्लैट, हर किसी में जिंदगी है। मैडम ये सब किस ड्रॉ में मिले? उन्हीं दिनों में 2 लाख देके खरीदी। पैसे देकर खरीदते समय सोचना चाहिए। एंटीक पीस जैसा है, उस पर सफारी ड्रेस गनमैन की तरह। अरे जूनियर तू किधर? तुम दोनों इधर ही वेटिंग और मैं बाहर जाके लाइटे। hey, कैसे जाएगा? ट्रांजिट वीजा नहीं मालूम तुझे? उसे लेके बाहर जाके मेरी हंसा से मिलके फ्लाइट टाइम तक आ जाऊंगा। इतना सभी से कैसे मालूम? हाँ क्यों भाई, फ्लाइट कितने बजे की है? 12 घंटे की वेटिंग है। हेलो, आई एम सिंगापुर सैटेलाइट। सिंगापुर हो या शोलापुर, क्लैरिटी मेंटेन करना चाहिए। सैटेलाइट हूँ, सिंगापुर आके ऐसा हो गया। क्या हुआ? होना क्या है, इंडिया में काली कमाई करके यहाँ आते हैं, उन्हें मैं घुमाता हूँ, कोई भी पैसा नहीं देता। हाँ एनीवे, सिंगापुर में मिलना चाहते हो तो मेरा विजिटिंग कार्ड। इसे जाना है हांगकांग, पर वेट करना पड़ेगा 12 घंटे। अपने शहर में मिलेंगे। ओके। वो गई। अरे वो गई। चल चल क्रांति चल। ये लो डॉलर्स। कल ऐसा करेंगे। क्यों भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कार्ड दिया था ना, ढूंढ लिया। फ्लाइट लेट है ना अंकल, सोचा शाम तक सिंगापुर घूम लूं। सिंगापुर घूमने का कोई इरादा नहीं। तो तुम्हारी फैमिली को देखने आया क्या? ये फैमिली ट्रिप है। तुम्हारी फैमिली के लिए फ्री ट्रिप है, डॉलर देकर कोई भी आ सकता है। चलो चले डैडी। कूल बेबी। ये देखो यही है जू, अगर आप अंदर जाएं तो जानवरों के लिए थोड़ा टाइम पास। तुम पहले से ही ऐसे थे या सिंगापुर आके पगला गए हो? जानवरों के साथ ब्रेकफास्ट, हर टूरिस्ट को $25। रेट से हमें क्या मतलब, नाश्ता बढ़िया है, दैट्स ऑल। फूड बिल आप ही का, कंपनी से कोई संबंध नहीं मेरे खाने के साथ। वो मैं नहीं जानता, खर्चों से मतलब नहीं। कोई बात नहीं अंकल, बिल मैं दे दूंगा, मेरी कंपनी पे करेगी। लो कंपनी क्या? सब कुछ समझ गए, टैलेंटेड हो। बहुत अच्छे।
डैडी बिल आप ही दीजिए। पर बेटी वो देना चाहते हैं ना, देने दो। और क्या, यहाँ लक्की डिप नहीं है। क्यों? हाथी आया तो अब समझ में आएगा। ये पोज़ में दोनों में कोई फर्क नहीं लग रहा, बहुत अच्छे हैं। अपनों से मिलके खुश है ना? वापसी में तुम्हारा काम करूंगा। ये जिब्रा है, मैंने सोचा गधों को रंग लगाया। तुम यही सोचोगे इसलिए कहा। इसे ही अंडर वाटर वर्ल्ड कहते हैं, समंदर की हर तरह की मछली नजर आएगी। वही तो, समंदर के नीचे शीशा लगा है। ओ, सिंगापुर गवर्नमेंट सुन लिया तो तुम्हें म्यूजियम में रख देगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनमें नर्मदा कैसे पता चलेगा? बाप रे, ये मामूली फैमिली नहीं है, पूछ के बताता हूँ जी। हाँ। आगे बढ़ो। इसे जेली फिश कहते हैं, खाने के लिए नहीं, चाहो तो सांप को खिला सकते हो। हाँ। ओके, गुरु। ओके। थोड़ा हंसो। ये चल हट। हाँ? पैसे नहीं, इधर जल परियां रहती है क्या? यहाँ जल अलग, परियां अलग रहती हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही कर रहा है। हाँ गुरु। यहाँ हमसे भी रहते हैं क्या? मैंने देखा नहीं बाबा। मुझे हंस बहुत पसंद है। और आपको अंकल? क्यों नहीं, मुझे भी। सुंदर और लचकदार होते हैं। फिगर भी गजब का होता है, हंस का। असल में वैशाली का नाम हंसिका ही रखना चाहते थे। हाँ। अच्छा? हाँ। डैडी। चलो एक फोटो लेंगे। हाँ, चलो। तुम्हें मालूम है हंस दूध और पानी को अलग करता? उसका कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारी बकवास पर नहीं है, बस करो। यही है फाउंटेन ऑफ वेल्थ। इसके चारों ओर की चार बिल्डिंग चार उंगलियों जैसी हैं। ये फाउंटेन वास्तु के हिसाब से है, इसलिए सिंगापुर को इतनी कमाई है। मतलब इस फवारे को अगर हम अपने शहर लेके जाएं तो अपना शहर सिंगापुर हो जाएगा? ओ छोड़ो यार, क्या बकवास करते हो। चलो चलो वहाँ चलते हैं। इसे सज्जनपुर और सिंगापुर में कोई फर्क नहीं। पूर फेलो। ससुर जी, अरे फिक्स हो गया क्या? वर्कआउट नहीं हुआ क्या? लड़की देखो कितनी क्लास, तुम अभी अभी स्लिम होकर स्लम लड़के की तरह हो, मास। करेक्ट। अब क्या करना है? शॉपिंग करना है। हाँ? डॉलर है तो क्लास बनना सिंगापुर में पल की बात है। ऐसा क्या? हाँ। चलो चलो। इंडिया में मिलेंगे। हाँ, बाय। पीआर आया होगा। हेलो पीआर, यही है क्या? ये तो बच्चों को खेल दिखाने वाला मदारी दिख रहा है। भैया बैरागी बेनर्जी, सीधा पॉइंट पे आता हूँ, पीआर को चाहिए। दे दो, हमें क्यों बता रहे हो? फोटो नहीं, ये लोग। ओके, कहाँ रहता है वो? उसको पकड़ के लाता हूँ। वो इतना आसान नहीं, वो कंटेनर जो दिख रहा है वही उसका अड्डा है। पीआर के सभी लोगों को वो जानता है, सिक्योरिटी बहुत टाइट, इसीलिए तुम्हें ये काम सौंपा है। वर्कर्स की तरह एंटर हो जाओ, तुम्हारी जान चली जाए कोई बात नहीं, पीआर को प्रताप चाहिए। No, Lumi.
बैग मिल गया, उसे छोड़ दे, गाड़ी पीछे ले। मुझे मारकर अपने भाई को नंबर वन बनाने के लिए घूम रहे हो? नहीं। कोकिन चिलम की तरह आसान समझ रहे हो क्या? मुझे मत मारो। तेरी सेपरेट गैंग में गड़बड़, तुम्हें देखकर ही ना तेरे भाई को इतनी हिम्मत आ गई। अब अगर उसे पता चल जाए कि तुम मेरे गुलाम हो तो देखूंगा क्या उखाड़ेगा। इसके भाई को फोन कर रहे हो? एक मिनट। इसे कब ले आया? फिर इसके लिए इंडिया से नहीं आ सकता ना, इसीलिए इसे भी साथ ले आया। फोन पर क्यों, अब डायरेक्ट बात कर लो। तेरी स्पीड मुझे पसंद आई। क्या नाम है तेरा? क्रांति। क्रांति, नाइस। प्यार, प्यार। जब मैं हांगकांग पहली बार आया था तब ये लड़कियों को सप्लाई करता था हमारी गैंग में आकर। क्यों अब मिनिस्टर लेवल पे ब्रोकर बन गया क्या? तू जितनी आसानी से लड़कियों को सप्लाई करता है, पीआर को मारना उतना आसान नहीं है। पीआर, तुम हमें जीने नहीं दोगे ये मालूम है। प्लान मैंने ही किया था, अमल भी मैंने किया, मुझे मार दे। छोटा है मेरा भाई, छोटा है, उसे माफ कर दे, मुझे मार दे। तेरी दुश्मनी मुझसे है। दुश्मनी समझकर तुझे मार डालूं तो मेरा कलेजा ठंडा कैसे होगा? तू तो एक पल में खत्म हो जाएगा। आ, 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 आ। क्यों बड़े भैया, यार से पंगा क्यों लिया? मार डाला ना भैया। यही है बदले का मतलब। मेरे छोटे भाई को पीआर ने मारा, सोच सोच कर जिंदगी गुजारना बड़े भैया।
रुपए पीआर का रेस देखकर नशा ही नहीं चल रहा। जायदाद कितनी होगी? 1000 करोड़। हाँ? 1000 करोड़। भाई मुंबई कब आओगे? किस लिए रे? मेरी दूसरी शादी का मुहूर्त निकलवाना है। तेरी शादी किस लिए रे? हैप्पी से बिंदास रह सकते हैं ना? Come on, sweetheart. इसे कहां से पकड़ के लाया? नहीं पकड़ के लाया भाई, अपन के सेल में 2 महीने ट्रेनिंग भी दिया। यतीम है भाई, लेकिन जरा सर फिरा। जस्ट मूव। हाय, ये बच्चे बहुत पसंद आया। यू नो, तेरी उम्र में तुझ जैसा ही था। क्या चाहिए बोल? लड़कियां, पैसा, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। एडवांस देके पकड़ लाया भाई। भाई ने पूछा ना, बोल। कम ऑन, क्या चाहिए बोल? क्या ये कुर्सी? क्या कुर्सी? नहीं, वो पोजीशन चाहिए। ए, नशे में हो क्या? बगैर शराब के ही नशे में रहता हूँ। कोई भी फील्ड में हो, टॉप पोजीशन में रहना चाहिए। अपने फील्ड में टॉप पोजीशन वो है, कोई देगा तो मैं नहीं लूंगा, मैं खुद उसे हासिल करूंगा। क्या देखकर अपने आप पे नाज करता है? खुद को देखकर ही। किसी को देखकर इंस्पायर नहीं होता, अपन खुद एक इंस्पिरेशन है। इसे बड़े छोटे का फर्क नहीं, इसके लिए सभी एक बराबर है। शट अप। पसंद आया? एक हफ्ता एंजॉय करके चला जा। कल जाना है, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बच्चे कौन? वो बहुत बड़ी यतीम ब्याज है भाई, बहुत छटे हुए हैं, चले जाएंगे। मेरी भी मंगनी है। मान गया। दीदी इसे देना भूल गई थी, क्रांति ने दिया है। बेटे फ्लैट फर्नीचर सिंगापुर ट्रिप खत्म हो गया, आपकी ड्रा में कार ट्राई करना। सोचेंगे। बेटी शायद बारिश आएगी, छाता ले लो। वैशाली जा रही है, बारिश नहीं होगी। शौक क्या है? बारिश आ रही है, छाता लाके हमने अच्छा किया ना। सिंगापुर ट्रिप कैसा रहा? ओके। क्या रे, बारिश तेरे लिए आई शायद। हाँ रे सोनी, ऐसा ही है शायद। सुना है सिंगापुर गई थी, मुझे एक बात भी बताया नहीं। देखो ना, 1 वीक से वेट करते करते तुम्हारे लिए कितना वीक हो गया हूँ। ए, ज्यादा अपनापन मत दिखा, समझे? देखा रे, इतने इमोशनल में भी मुझे अपना कहा, भाई तो नहीं कहा, मतलब कि कोई ना कोई फीलिंग है मुझ पर। वैशाली को गुस्सा आ रहा है। सचिन को मूड आ गया, ऑलरेडी पुलिस वैन आकर चले गई। माची फॉर्चून क्वीन, क्यों सिंगापुर ट्रिप मार लिया? प्यारे बहुत परेशान है। तो बहुत बढ़िया रहा, पर सब रिवर्स हो गया। इम्पॉसिबल। चलो एक और कार्ड निकालो। समथिंग इज बैड। एक और निकालो। अरे चेन्नई में रहने वाले बैड डैडी। क्या हुआ? वही मैं पूछ रहा हूँ, सिंगापुर ट्रिप में क्या हुआ? उस दिन ओनर को मारा था ना वो क्रांति। ओ, हिम्मत वाला कैंडिडेट। वो भी हमारे साथ फ्लाइट में था, थोड़ा सा इरिटेट किया पर बाद में सब ठीक था। जाने से पहले आने के बाद क्या हुआ? लाइफ की फर्स्ट किस उसे दे डाली, पर उसके बाद वेदर वर्स्ट हो गया। फर्स्ट किस? श्योर? उसने दिया क्या? नहीं, मैंने। मैंने ही। एक्सीडेंटली। किस ऑफ पेन, किस ऑफ गेन,
वो मामूली आदमी नहीं, वेरी पावरफुल मैग्नेट। एक चुम्बे से सारा पावर खींच लिया। सोचा था, उससे मिलते ही सोचा था। वैशाली इज नॉट कंफर्टेबल। अब क्या करूं? ये किसी भी शास्त्र में नहीं है, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। किससे पावर चला गया? एक और चम्मच दे दो। खींच लिए तो पावर वापस आ जाएगा। आओ मैं बताता हूँ। पकड़ लूंगी अपना लक वापस लूंगी। आई विल डू इट, आई गेट बैक माय लक। थैंक यू। ए चकली, तुझे चैना लिख कर दूंगा। ए ए चकली, ए What can you do for us? Oh, I'm Vaishali. Hi, I am Rambo Bhabhi. Bhabhi? हाँ बहनो। दीदी? Yes. Average हो तो बहन, extra ordinary हो तो भाभी कह के बुलाना। कहाँ ही होगा, हम HCM कॉलेज से आए हैं। सोशल सर्विस कैंप चल रहा है। यहाँ के बड़े कहाँ हैं? तुम्हारा क्रांति भैया। लोग शाम को आएंगे। सोशल सर्विस हो तो मामूली खिचड़ी ब्रेड लेके शाम से आ गए। हम तूफान पीड़ित नहीं है, अनाथ हैं। पूछने के लिए माँ बाप भी नहीं है। प्रभु के बच्चे हैं। चिकन बिरयानी, मटन फ्राई, चिकन फ्राई, ये सब हमें कौन देगा? हम देंगे रैम्बो। और तुम्हारे क्रांति भैया को भी हम देंगे। भाभी तुम्हारे क्रांति भैया को क्या पसंद है? किशमिश का हलवा पसंद है। शाम को ले आइए, खाकर दुआएं देंगे। जाइए। कहाँ है एटम? बहुत भूख लग रही है। क्या है रे, ये सब किसके लिए वेटिंग? भैया भैया, दोपहर में तुम्हारे लिए चार दीदिया एक भाभी आई थी। भाभी का नाम वैशाली, बढ़िया फूड ला रही है। हम भी खाएंगे। वैशाली, ये क्या मुसीबत है? बैड टाइम चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते। आ गई, आइटम्स आ गए। लिस्ट के सभी आइटम्स है ना? बेटा, मेरे लिए एक लेग पीस बिरयानी जाके लेके आओ। दिखने में मडोना लगती हो, लेकिन अंदर मदर टेरेसा भी है। मैं उधर रहूंगा। हे प्रभु, हमारे लिए प्राण त्यागने वाले मछलियां, झिंगा, मुर्गी, बकरियों को आत्म शांति प्रदान करो। खाइए। दवा ठीक से मिलाई है ना? एक एक पैकेट में चार स्लीपिंग पिल्स मिलाई हूँ। 5 मिनट में सब गहरी नींद सो जाएंगे, फिर अपना काम देख ले। हलवा, किशमिश हलवा। सोशल सर्विस है क्या? किशमिश बढ़िया है। किशमिश बढ़िया है। सच बोल, मेरे लिए है ना ये सब? हे वैशाली, ऑल विकेट्स डाउन। जल्दी से चुम्मा लेके आ जा। Three, two, one.
लेडीज फर्स्ट कहते हैं, सेकंड भी तुम ही हो। तुम्हें असर नहीं हुआ क्या? हुआ ना, लेकिन डोज थोड़ा कम पड़ गया। बेहोशी में चुम्मा लेने का मतलब नहीं है रे, अभी लेते हैं आना। नहीं नहीं नहीं। चंदू, 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 ए, ये चंदू, 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 पास पास प्लीज पास प्लीज यस सर। क्रांति, छोटू की दोनों किडनियां बहुत खराब है, मेडिसिन से ठीक नहीं होगी, डायलिसिस करना है, हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, 10 लाख तक खर्चा आएगा। शाम तक ले आऊंगा। ओके भाई। हाँ? ये डॉलर ने क्या पाप किया है? इसे भी छाप सकते ना, पीआर में देशभक्ति बहुत है। बाप रे, कंट्री आ रहा है। हाँ? भाई जरूरी काम पे है, ठहर जाओ। ये हटना चल। ए, रोके तो रुकता क्यों नहीं? इंपॉर्टेंट काम में दिखता नहीं। ए, शेरू भाई से काम है। शेरू भाई, अपना चंदू हॉस्पिटल में, किडनी प्रॉब्लम, अर्जेंटली 10 लाख चाहिए। हाँ, मेरी मौसी की तबीयत भी ठीक नहीं, इतना सीनियर मैंने मांगा। ए, 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 ये कोई गवर्नमेंट ऑफिस समझ रखा है क्या, हेल्थ इंश्योरेंस फंड देने के लिए? जरूरी है भाई, नहीं तो वो मर जाएगा। मरने दे, अनाथों में एक और कम हो जाएगा, खर्चा बचेगा। तेरा बेटा हो तो यही बोलेगा क्या? अरे ऊंची आवाज में बात कर रहा है भाई। हांगकांग में प्यार भाई ने सर चढ़ा रखा है, इसीलिए हम सबको बेवकूफ समझता है, वहाँ कुर्सी पूछा, यहाँ पैसे मांग रहा है। भाई देते हो या नहीं? क्या रे, धमकी देता है? तेरे बिना गैंग नहीं चलेगी क्या? क्रांति के बिना अगर गैंग चल सकता है, तो गैंग के बिना क्रांति भी चल सकता है। पैसा निकाल, चल। निकाल दिया, इसे गैंग से निकाल दिया, थ्रो हिम आउट। रिस्क हमारा, खून हमारा, मेहनत हमारी, हमारी मेहनत से करोड़ों कमाकर हमारी मदद नहीं करेगा। ए एसिड, बोलो भाई। पैसे निकाल कर शराफत से इस सूटकेस में रख दे। हाँ? 10 लाख, नहीं तो इसका भेजा ब्लास्ट कर दूंगा। नो नो नो। हेलो भाई, चल रे, चल। ए, कल यही हालत तुम सबकी भी होगी, आज से क्रांति का सेपरेट गैंग, जिसको आना है आ जाओ। ये बात पीआर को पता चले तो? वो पीआर क्या, उसका बाप भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। गुड शॉट। कौन है? देख भाई, मैं बैरागी। बोलो बैरागी। वो क्रांति आकर सब गड़बड़ कर दिया। वो क्रांति इधर दो। शेरू भाई की जगह अगर मैं होता, यासिर पी के खुदकशी कर लेता। हिम्मत वाला है, इसलिए झूल रहा है। कुछ लोगों की जिंदगी बेशरम होती है। पीआर क्या है? वो क्रांति साला शिशु से लफड़ा करके दूसरी गैंग बनाकर छोकरों को लेकर गया। सिचुएशन बहुत बैड है। वो मेरी तरह होशियार है, नंबर पता करो, बात करता हूँ। बोलो। क्यों रे, 4 लोग साथ दे दे, गैंग वैंग कहकर हल्ला मचा रहा है। उतना चांस नहीं है, शेरू के पास जाकर सॉरी मांग, पहले की तरह काम पे लग जा। मैं किसी को दूसरा चांस नहीं देता। तू मुझे पसंद है बच्चे, इसीलिए तुझे दूसरा चांस है। तुझे वो चांस भी नहीं है, ऑलरेडी डिसाइड करके एडवांस भी ले चुका हूँ मैं, अभी तेरी गैंग का नहीं रहा। अरे क्या करेगा एडवांस लेकर? स्कूल के बच्चों को किडनैप करेगा, मामूल वसूल करेगा। इडियट,
सुन, ये इतना आसान नहीं है मेरे खिलाफ गैंग बनाना। तुझे उड़ाने का एडवांस ले चुका हूँ। एक करोड़ रुपया, तेरी गैंग में कोई नहीं बचेगा। अब तेरी फिल्म का क्लाइमैक्स है। ये जानता है किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, सब जान के ही बात कर रहा हूँ। तेरे बारे में सब मालूम है, हांगकांग में बैठकर रिमोट कंट्रोल चलाता है। तुझ में हिम्मत नहीं है, इसीलिए मुझे वहां पर बुला लिया। किससे शुरू करूंगा, कहां से शुरू करूंगा पता नहीं। दादू, क्या क्रांति, बीआर और उसका गैंग क्लोज। पीआर को तो बेवकूफ बना के बात किया। 20 साल से कोशिश कर रहा हूँ उस पीआर को उड़ाने के लिए, मुझसे नहीं हो सका। बेटा, तुम्हारा सिनेमा चलना चाहिए मेरे थिएटर में। ये तो सिर्फ एडवांस है, शस्त्र पूजा करके लाया हूँ। ये लो नया गन, नए बुलेट्स, नए तरीके से उड़ा दो। What is this? वो दादू साला पीआर को मारने के लिए एडवांस देने के रेंज में आ गया, कुछ नहीं बिगाड़ सके डरपोक। हाय, तुम्हें उड़ाने के लिए दादू ही नहीं, इस शहर में बहुत लोग हैं, लेकिन एडवांस लेने की हिम्मत और दम वाला पहली बार आया। वो दादू उसे नहीं बुलाया, वो क्रांति खुद जाकर एडवांस। इसलिए क्रांति को एडवांस में उड़ा देना चाहिए ताकि पीआर के सामने कोई भी खड़े रहने की हिम्मत न करे। अरे बैरागी। हाँ भाई। इन लोगों से नहीं होगा, जंगलियों को भेजो, शिकार करो उसका। उसकी आंखों में खौफ देखते हुए मैं ही उसे मारूंगा। अच्छा भाई। सुनो, शिकार होशियारी से करना, वो जानवर नहीं शिकारी है, वो जिंदा चाहिए मुझे। ओके, सिटी स्क्वायर के सामने तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय। ए, किसे बुला रही है? क्रांति को। आते ही फिर चुम्मा देकर उसे सताओगी क्या? इस बार न जाने क्या प्लान है। लाइफ प्लान, उसे मैंने फिक्स कर लिया है। क्या, एक चुम्मे से ही? एक नहीं, 3 हो गए। अच्छा, और वैसे भी चुम्मे के बारे में नहीं, वो मेरे पीछे एक पागल है, पता नहीं क्यों, और मैं भी उसे बहुत पसंद करती हूँ। उसके लिए तू करेक्ट है, पर तेरे लिए वो करेक्ट है क्या? लॉजिक नहीं यार, वो मुझे चाहिए। आई लव हिम, यही कहने के लिए मैंने उसे यहाँ बुलाया है। सेंटीमेंट रखने वाला आदमी नहीं है पीआर। आजा, आके मर।
पीआर को मैं आज तक एक मर्द समझता था। आ रहा हूं। ए ठहर जाओ, इसे मेरे हाथों से भरना है, मैंने डिसाइड किया है। मैं मरने से एक सेकंड पहले तुझे उड़ा दूंगा, ये मैंने डिसाइड किया है। डर नहीं लगता हा? तू गन बता रहा है पीआर को? ये बात मुझे मालूम है, इस बुलेट को नहीं चला दिया तो कहीं भी लग जाएगी। इतना घमंड, तुझे जरूर मरना चाहिए। ठहरो, हाँ प्रेमराज, तुम जिसे मारने जा रहे हो जानते हो, तुम्हारा अपना बेटा है। हाँ प्रेमराज, क्रांति तुम्हारा बेटा है। भारती तुम्हारी बीवी। फादर? हाँ बेटा, एक मिनट। ये देखो, को मार डाला, ये मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार है, इसे मरना चाहिए। बेटा क्रांति, अपने पिता को मारेगा? नहीं फादर, मेरी माँ को इसी के कारण दुख झेलना पड़ा, उन्हें छोड़ के चला गया। नहीं बेटा, जिससे मैं 15 साल से मिलना नहीं चाहता था, उससे आज मिला, बात सुनो। इसे मार डालूंगा, मार डालूंगा। क्रांति, बच गया। यकीन नहीं हो रहा है पीआर, 20 सालों बाद तुम्हारे बेटे से इस तरह। मैं भूल गया था कि मेरा एक बेटा भी है। मुझे ही मारने के रेंज में दिखेगा सोचा नहीं था। प्रभु ने क्या कहा मैसन, हर भटका हुआ आदमी एक दिन मंजिल पे ही पहुंचता है। बेटा क्रांति जब छोटा था, तुम्हारी बीवी बीमार होकर उस वक्त सेवा करने वाले एक मिशन अस्पताल में पहुंची। बहुत इलाज करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, मानसिक तकलीफ से जूझती रही और एक दिन हमारे प्रेमालय के सामने ही आकर उसने दम तोड़ दिया। मरने से पहले उसने क्रांति को और फोटो को मेरे हवाले कर दिया, अपने पिताजी के बारे में कुछ भी नहीं बताना कह के ये वादा लिया। तब से आज तक क्रांति प्रेमालय में ही पलके बड़ा हुआ, लेकिन क्रांति ने जो तकलीफें उठाई, कोई और अनाथ ना उठाए कहकर हम लोगों की खातिर तकलीफ उठा रहा है। बहुत नेक लड़का है तुम्हारा बेटा। अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार खुद अपना पिता ही ये जानकर, इसीलिए क्रांति उस दिन गुस्से में भड़क गया। आज का दिन उसकी माँ की पुण्यतिथि है, समाधि के पास ही सारा वक्त गुजारेगा। अरे मुन्ना, नहीं! मरने के बाद ही मेरी माँ को सुकून मिला, उसे वैसे रहने दो।
जब जिंदा थी तुम अपने स्वार्थ के लिए उन्हें छोड़कर चले गए। इतने सालों में एक पल के लिए भी मेरे और मेरी माँ के बारे में कभी सोचा? वो मेरे साथ जिंदगी गुजारना नहीं चाहता। बस बोलो मत। बेटा वो पछतावा कर रहा है ना? नहीं फादर, ये मगरमच्छ के आंसू पे मुझे भरोसा नहीं। दादू ने सुपारी दी थी इसीलिए तुझे मारने के लिए सोचा। अगर मेरा बाप है ये मालूम पड़ता तो फ्री में तुझे मार देता। निकल जा, निकल जा। पीआर को मारने के लिए एडवांस लेते वक्त क्या ये बात मालूम नहीं थी? क्या पीआर मुझे उड़ा देने के लिए ड्रामा कर रहा है क्या? मेरे पिताजी को मारना है ये समझकर मुझे ही मारेगा क्या? इस सिन्हा की बात क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो पता नहीं, मेरा सर तो फट रहा है। दादू भाई पूरब की तरफ वजन होने से सब बैठ साले मुंह बंद कर। क्या तेरे फालतू ख्यालों से वो पीआर का बेटा हो जाता? अरे फालतू फटीचर, और तू मेरा बेटा हो जाता क्या? बेटा सुना तेरी माँ मर गई, बहुत फील हुआ। मेरी माँ को मरे हुए 15 साल हो चुके हैं। दादू तुझे सारा मैटर समझ में आ गया होगा। जितना भी एडवांस लूं अपने बाप को नहीं मर सकता। तेरा एडवांस वापस लाया हूं। नहीं नहीं, तेरे बाप को कत्ल करने के लिए कहूं इतना जालिम नहीं। जानबूझकर पीआर पहले से ही मुझे और मेरे बिजनेस को तबाह करना चाहता है। फर्स्ट टाइम उसे लुड़काने वाला मिला समझा, लेकिन तू उसका बेटा निकला। क्या करूं क्या करूं क्या करूं। हाँ 20 साल के बाद मिला हुआ बेटा है तू, तुझे ही उड़ा दिया समझो, उससे बदला लिया जैसा ही ना। क्या रे भांजे, हाँ हाँ। वाह दादू दादू, शाबाश दादू शाबाश। दादू एडवांस तो वापस कर दिया, लेकिन तेरे दिए हुए गन और बुलेट्स मेरे पास हैं। चलाया नहीं, चलाऊं चलाना जानता हूं। जोक जोक किया, फिर मत करना। देखो इसकी स्पीड देखो, किसका खून है ये? पीआर का टाइगर। अब क्या करेगा बेटा, डैडी के पास जाएगा या दादू के साथ रहेगा? किसी के पास नहीं जाऊंगा, अपना काम खुद देख लूंगा। हर कोई अपना काम खुद देख ले तो ही अच्छा है। हेलो, कांग्रेट्स पिया जी के बेटे, यू आर वेरी लकी। वही मेरा बैड लक है, अब जो तुमने फोन किया वही मेरा लक। थैंक यू। मैं जो तुम्हें कहने वाली थी क्या? वो बात बोलो, कहाँ आना है? सेम प्लेस, आ रहा हूँ। नमस्कार, दिन भर के ताज़ा समाचार लेकर आपके सामने। टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है बॉस, हम खुद बम रखकर टीवी में लाइव देख सकते हैं। लेकिन करेक्ट रखा क्या? जीप के सेंटर में रखा हूँ बम, पता नहीं वो कब पटेगा, लेकिन वो कंत्री साला टुकड़े हो जाएगा। ए, ये क्या किया तूने? कूदा, इससे पहले ब्रेक मारा। अगर गाड़ी को कुछ हो जाता तो? पागल है क्या, कुछ नहीं हुआ ना। होता तो नहीं हुआ ना। मेरा नाम तोता राम पापा, नीटनेस मेरे लिए सब कुछ है। ऐसा है तो मेरी जीप साफ कर। गाड़ी को जरा भी खरोच लगा इस्तेमाल नहीं। तू मुझे इस्तेमाल मत कर। चारे हाय हाय। जल्दी बोलो ना। परसों कहना चाहती थी तो फाइट, फिर प्रेमालय आई तो पादक की गड़बड़ हो गई। कोई टेंशन ही नहीं है, जल्दी बोलो ना। आई थिंक मेरा हिंदी सिनेमा है, हिंदी में बोलो ना। 136 136 का मतलब? वही इंग्लिश में बोलो तो 143 आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे बाप रे, बोल दिया करे। अब चुप हो जा, मैं थोड़ा एंजॉय कर लूँ। पक्का 136। कहाँ गया मेरा मोह पेन? ये चैन, मेरा मोह पेन।
अभी अभी मालूम हुआ है कि शहर के सिटी मॉल में बम ब्लास्ट की दुर्घटना। इस घटना में कई लोगों के मरने की आशंका है। पुलिस ने हाई अलर्ट किया है। अब आएगा पीआर का मजा। मरने वालों की पहचान चल रही है। हादसे से पहले मेरा नाम तोताराम पापा, फिलहाल तोताराम मामा। मेरा नया मोपेट चले गया, अब सिर्फ चैन रह गया। हर आदमी को अपना काम खुद करना चाहिए। फुलो राजा, फुले मत मारो। नहीं, नहीं, नहीं। अरे। आ? हाँ? हेलो पुलिस स्टेशन। ए, तू आगे बढ़ा तो इसे मार दूंगा मैं, इसे मार दूंगा मैं। मार दे रे। ए, ए, मारना। आ, 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 गुरु 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 गुरु। वो देखो, वो देखो, वो देखो। आवाज़ यहाँ, चलो। वो देखो। ए, ए, छोड़, इधरा। ए, छोड़। चल, चल। इसे गाड़ी में ले जाओ। लेके जाओ। बेटी, मैंने आज तुम्हारी इज्जत बचाई। बेटी, ये कौन है? अच्छा इंसान लग रहा है। अच्छा इंसान। इस शहर में हर फसाद की जड़ यही है। दिन में पसंद आई हुई लड़की की रात को इज्जत लूटता है। साइको टेररिस्ट, खबरदार। इसे कहाँ ले जा रहे हैं? ससुराल ले जा रहे हैं, वापस नहीं आएगा। मेरा बैग भी नहीं आएगा, तुम लोग चलो। ए, इसका बैकग्राउंड क्या है? 6 महीने से एसिड दुर्गा के साथ था सर, आजकल दादू के साथ है। ए, तेरा नाम क्या है रे? क्रांति। क्रांति यानी कि तू इनकलाबी है? तेरे बाप का नाम क्या है? बाप का नाम क्या है? जवाब क्यों नहीं देता? तेरे बाप का नाम क्या है? पीआर। बाप का नाम पीआर। काफी है या पता भी चाहिए? सर, आपका बेटा है ये? जीप इसकी है। गैस सिलेंडर से चला रहा था, उड़ गई। सर, आप जा सकते हैं। कम ऑन फादर, चलिए। ठहरो बेटा। प्रेमालय में रहने वाले सिर्फ अनाथ होते हैं, तुम्हारे पिता है तुम नसीब वाले हो। उस दादू से भी तुम्हें खतरा है, फिर भी तुम्हें कितना प्यार करते हैं ये जानकर ही यहाँ आए हैं। नहीं जाओगे तो मेरी कसम। चलो। अच्छा बेटे, आजा। वेलकम, वेलकम क्रांति। साइको टेररिस्ट। पसंद आई हुई लड़कियों की रात को इज्जत लूटता है। रेप करोगे क्या? डिसाइड कर लिया क्या? प्रिया ना माँ पे गई है। माँ, माँ पर गई हूँ, जान कर करते हो क्या? डैडी, ए, ए, प्रिया, क्या हो गया? क्रांति है, पीआर का बेटा। ऐसा क्या? हम आते समय प्रिया पे किसी ने अटैक किया, तब इसी ने बचा। मुलाकात हो गई क्या? इज डायनेमिक क्रांति, प्रिया मेरी बेटी। कलर माँ का है, उतावलापन तुम्हारा है।
What a humor. ठीक है, मुझे ये रूम पसंद आया, उसको शिफ्ट करो। रूम शिफ्ट? ए चलो चलो, रूम शिफ्ट, रूम शिफ्ट, रूम शिफ्ट, चलो। गुड मॉर्निंग अंकल। Oh, hi. Hi, Priya. Good morning. How do you do? Very good. Very good. Congrats, uncle. Your son. Kranti. I'm getting worried about him, beta. Wo ek bigde huye labor ki tarah pala. He's to be groomed, stylized. Can you do it for me? Sure, uncle. I can do that. Stylish banaungi. He's interesting. जाने क्या है ये ऑटोग्राफ फोटोग्राफ, ये चाहने वालों की भीड़ समझ में नहीं आ रही है। माइंड ब्लोइंग। ओके सर, आपकी फिल्म देखी है, अच्छी बहुत है? अच्छी है, अच्छी ही रहेगी। आखिर मुझे बुलाने वाला कहाँ?
बॉस टकला बॉस। आखिर ऋतिक बच्चन कहाँ है? मैं ही सर, मेरे शिंदिया पहचाने नहीं। एक्शन रिएक्शन ओवर एक्शन। मैं यहाँ देखने आया, तुम्हारा टैलेंट है तुम्हारे स्टूडेंट का टैलेंट। चलिए साहब गो है। सर मैंने आपकी फिल्म देखी, फर्स्ट हाफ समझ में नहीं आया, सेकंड हाफ भी समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट पिक्चर देखो। ठीक है सर। दैट इज द टेकिंग ऑफ ब्रह्मी। बैठो 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 बैठो। ओह टेक योर सीट सर। कंफर्टेबल है सर। ये साउंड बंद कर। गुड इवनिंग सर। उठो उठो उठो। ये क्या अजूबा है? मेरे नए स्किट का हीरो। स्किट का नाम मालूम? स्पाइडर राणा। एक्शन में फैंटेसी मिक्स किया, फ्लैशबैक में एक्शन हीरो था, मकड़ी के डसने से स्पाइडर हीरो बन गया। कम से कम छोटे बच्चों के लिए तो सिनेमा छोड़ दो। तू हिला दे जा। साउंड क्या है रे? Actually, I'm an action hero. Why I became Spider-Man, you know? But ठार के कहता हूँ, मकड़ी की कसम। Yes. सक, सक, सक। Very good. मार दूँगा। चाहो तो स्टोरी आप ले लो। हाँ हाँ, अरे बाप रे, कहीं इसे ना अपनी फिल्म की हीरोइन बना ले। अरे ये आपको मेकअप में ऐसी दिख रही है, हीरोइन मटेरियल तो उस तरफ है वैशाली, तुम उसे हीरोइन बनाओ। बाप रे, ये तो मल्लिका शरत की तरह हाथ हिला रही है। कॉन्फिडेंस सर तुझ पे नहीं रहा। एक झलक दिखलाता हूँ फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दुनिया के स्टेज इतिहास में इस ऋतिक बच्चन का अद्भुत कमाल देखो। ये स्क्रिप्ट डायरेक्टर दम्भी को अर्पित। मुझे क्या? कैसा लगा सर? हाँ जीरिएशन। इस अंधेरे में क्या दिखा पूछे तो मैं क्या बताऊं रे? कुछ नया पनाएगा इसीलिए ऐसा किया। क्या क्या है? रामजी भैया कहाँ है? बाबू सोराय तुम्हें क्या काम है? आज से यही हमारा घर है। तू यहाँ क्या कर रही है? ऑब्जर्व कर रही हूँ। तुम्हारे डैडी ने स्टाइल चेंज करने को कहा है, हेयर ग्रूमिंग करनी है, फेशियल करवाना है, ड्रेसिंग स्टाइल भी बदलनी है, मॉर्निंग जॉगिंग, स्क्वॉश, फिटनेस इम्पोर्टेंट है ना? फिटनेस? बिल्कुल नहीं मेरी माँ, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। पहले इतना काफी नहीं है क्या? मुझे छोड़ दे, तेरे हाथ जोड़ता हूँ। बाय। हमें जरूरत है। ये करेक्ट, सही बोला। क्या रे, सब लोग आ गए? आए आए। लूट लो घर अपना है। क्या देख रहे? नहीं भैया, बड़ी भाभी आपके लिए वहाँ वेटिंग। वैलेंटाइन डे है ना? अरे बाप रे, आप बता रहे क्या? बड़ी भाभी को छोटी भाभी के बारे में बताना है। कहाँ है तेरा बॉयफ्रेंड? आएगा। अरे कम से कम मेरी और मुझे मिलेगी? डांट नहीं, पक्का नहीं मिलेगी। किसकी है? तेरी शक्ल बिल्कुल पॉकेट मार से मिलती जुलती है। वैलेंटाइंस डे के दिन लवर को देने के लिए चॉकलेट और गिफ्ट चाहिए। मिनिमम इतना तो इस्टमन कलर होना, काला हो, गोरा हो, नीला हो, ओवर रहना चाहिए, 100% फ्लावर रहना चाहिए। असल बिना फूल के प्यार क्या है? इधरा इधरा। Your face cut should be like boot cut. गोरा रहने से कुछ नहीं रे, ज्ञान भी चाहिए। मुझ जैसे डबल होशियार को ही कुछ नहीं मिली, तुझे क्या मिलेगी? ये लाइन छोड़ दे। Happy Violence Day. Violence? Oh, इसकी इंग्लिश वीक है। Oh, प्रेमियों का दिन मुबारक हो। Thank you. Same to you.
क्या बात है, घर में कोई प्रिया नाम की लड़की? रामू ने बताया कंपटीशन लगा रहे हो क्या? तुम्हारे साथ कंपटीशन? ना ना ना, ये फूल मेरे हैं। देख भाई, प्रकृति हम सबकी है। वो फूल मेरा, वो टहनी मेरी, वो पेड़ मेरा, वो पत्ते मेरे, ऐसा नहीं कहते, खराब लगता है, छोड़ दे। ये फूल मैं वहाँ रखा था। तो फिर जहाँ रखा है वहीं ढूंढो। उस पे मेरा नाम है, मैं लिखा के लाया हूँ। यही है क्या? हाँ, ये यहाँ पर कैसे? जब भी तुमसे मिलती हूँ ना कुछ हो जाता है। कभी फाइट, कभी बॉम्ब। बहुत टेंशन में हूँ। तुम परेशान मत हो, आपसे नो टेंशन। क्रांति, हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। थैंक यू थैंक यू। सुबह तुम्हारे बेड पे पास में जब सो गई थी तो फूल नहीं थे, और जब फूल थे तो तुम नहीं थे। ये वैशाली है। हेलो। चलो बैठकर बात करते हैं। बेड के ऊपर सुना तुमने वैशाली, मैं लाए फूल वो ले गया, तुम लाए फूल वो ले गई, इसीलिए हमें आपस में देख लेना चाहिए। गैर एंट्री लेने से ऐसा ही होता है। वो कौ बॉय तो मैं लव बॉय। आई वांट टू सी मुंबई, आई वांट टू सी गेटवे ऑफ इंडिया, कैन यू प्लीज टेक मी? एम आई दैट बोरिंग? क्या मैं बोर कर रही हूँ? नो नो नो, नॉट नॉट। तुम बोर हो? ये फूल सिर्फ मेरे हैं। ये लो। बने। अरे अरे अरे, ये 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 तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे हाँ, क्या करने की जगह है, चलो निकलो। खाओ खाओ, आराम से खाओ। हाँ भाई, खाना सोना, खाना सोना, यही काम है इनका। एसिड आइसक्रीम ला। मैं हाँ लाता हूँ, लाता हूँ। आप खाए ना, आपके लिए भी लाऊंगा, बचा तो आप चलो। कोई वीकनेस, कोई सेंटिमेंट नहीं इस प्यार को। हे, क्या है रे? हाँ, पीआर का खेल खेल रहा हूँ। पीआर का खेल? पीआर का खेल खेल रहे हो? खेलो खेलो खेलो। भाई बहुत खुश नजर आ रहे, गाने दिखा रहे। कल भीख मांगना है तो चार गाने तो आना ना। अरे अब क्या हुआ बाज? गॉडफादर की तरह रहने वाली पीआर फैमिली, अब हम आपके हैं कौन फैमिली बन गई। बेटा, आने वाली बहू, 20 बच्चे, घर में खुशियों का माहौल है। तुम्हारा दुख मैं समझता हूँ। इस बार पीआर को उसके कंतरी बेटे को करेक्ट स्पॉट लगाऊंगा। मैं तुझे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसी कॉमेडी बातें मत कर। बिल्डिंग की वास्तु बदल दीजिए। मुझे वास्तु पर भरोसा नहीं, अपने आप पर भरोसा है। इस बार मैं निशाना लगाता हूँ। लग गया तो पूरब में उसकी खोपड़ी, पश्चिम में उसका हाट, दोनों खलास। बनर्जी, तुम हांगकांग चले जाओ, मेरे आने के लिए 10 दिन लगेंगे, और मनी हवाला कर दो। भाई 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 भाई, मेरी दूसरी शादी पक्की हो गई है, परसों ही है, तुम आना भाई। फिर से वही गलती क्यों दोहरा रहा है? फर्स्ट बीवी स्वागत में ही भाग गए ना, तुझे नहीं दूंगा। भैया, ऐसा नहीं। हाँ। वो तो लटका के प्रैक्टिस करना, नहीं तो एसिड के सर पे तरबूज रखे मार। तरबूज क्यों, एसिड को ही ठोक देंगे। ए एसिड, छोड़ दे रहा हूँ, क्या तो मेरी शादी नहीं, मेरी मैयत निकलेगी। हर बात पे डरता है ना। क्या है प्यार? ए, क्या मार दोगे क्या? दम क्यों निकाला अगर कुछ हो जाता तो? घर में खिलौने हो तो बच्चे उसके साथ खेलेंगे, लेकिन सिर्फ गन है, इसीलिए गन से खेल रहे हैं। क्या घर में रहने के लिए मैंने कहा? मेरे घर से दफा हो जाओ, गेट आउट। अगर ये मेरा घर है तो इनका भी घर है। देखो, इस तरह के कोई रिलेशन नहीं है। 1 करोड़ रुपए देता हूँ, भिजा दो, ऐसे निकालो। तुझे रिलेशंस नहीं है, मुझे रूल्स नहीं है। तेरी तरह मुझे पैसे प्यारे नहीं। तुझे उड़ाने के लिए 1 करोड़ एडवांस देगा दादू। अरे अब क्या ये टॉपिक जरूरी है? बोलो बोल, ये टॉपिक जरूरी यार है। बेटा, क्रोध से बेहतर शांति है, प्रभु ने कहा। प्रभु सब कुछ मुझे ही क्यों कहते हैं, इसे कुछ नहीं बोलते। भाई भाई भाई, आप शांत हो जाओ, अपना ही बेटा है। बाबू, परसों मेरी दूसरी शादी है, तुमको जरूर नहीं आऊंगा, मेरा बाप भी नहीं आएगा। तू कौन है बोलने वाला? हम जाएंगे। वो दादू तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, जाओगे तो वापस नहीं आओगे, स्पॉट में डाल देगा। ये स्पॉट तुम्हारे लिए नया, हमारे लिए नहीं। अरे एसिड, हम लोग आ रहे हैं, तैयारी कर ले।
या चलो। हाँ हाँ मैं आ गया, तुम चलो। भाई 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 नमस्ते नमस्ते, आइए 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 भाई आइए। नमस्ते नमस्ते। ये मेरी माँ, ये मेरे पिताजी। नमस्ते। वो मेरी दुल्हन। तुम चलो। देख लो ये लड़की कहीं भाग ना जाए। तू बैठ जा। भाई शादी में बरातियों के साथ मैं भी आया हूँ। पीआर आया, उसका बेटा नहीं आया। पहले पीआर को उड़ा दो, वहाँ शादी के बैंड बाजे के बजाय मातम होना चाहिए। नहीं, पीआर को मारने से पहले उसके बेटे को मारो। क्या हो क्रांति? जाने के लिए मना किया था ना। भाई भाई कैसे हैं? अच्छे हैं। भाई का क्या, मेरी दूसरी बीवी ही। पहली बीवी फिनाइल वाले के साथ चले गई, क्लैरिटी है। दूसरी बीवी किसके साथ चलेगी पता नहीं। किसने कहा तुझे? मैंने पता कर लिया, ड्राइवर के साथ जंप। हाय अंकल, विश मी, आज इसका जन्मदिन है। ओह मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आज सिर्फ तुम्हारा बर्थडे नहीं, मेरा भी बर्थडे है। डेथ डे हो सकता था, मुझे बचाया। यू नो मेरा बेटा ही गेव मी रीबर्थ। जो काम मेरा अंपायर, मेरी दौलत, मेरी सिक्योरिटी नहीं कर सकी, वो अकेला कर दिखाया। जान की बाजी लगाकर मुझे बचाया। बच्चा पसंद आ गया मुझे। वही मेरा वारिस है, मेरी दौलत का नहीं, मेरी हिम्मत का भी। आई लव यू माई सन। सन नहीं भाई, बेटा। गन गन। हाँ, ये हुई ना बात। शेर का बच्चा, चल come on, let's celebrate. अंकल मेरा बर्थडे गिफ्ट। क्या चाहिए? क्रांति। क्या काम करते हो? चिटफंड कंपनी में मैनेजर हूँ। तनख्वाह? 15,000 है। इनका फ्लैट लॉटरी में मिला है भाई। हाँ सर, बेटी की किस्मत। लॉटरी में घर, फर्नीचर, फॉरेन ट्रिप लगते हैं, दामाद नहीं। जो भी चाहो उसे पाकर रहने की मेरी रेंज है। जो भी भीख में मिला उसे पाकर खुश रहना तुम्हारी जिंदगी है। पीआर की होने वाली बहू मेरी बेटी है। पीआर साहब, क्रांति आपका बेटा है ये जानने से पहले वो हमारे करीब हो गया है। वो मेरी बेटी को चाहता है। मेरी बेटी भी क्रांति को ही पसंद करती है। क्रांति एक वक्त में अनाथ था, अब किसका बेटा है जान गए हो ना? किसी और को पसंद करने के लिए बोलो, सेलेक्ट करो, पार्टियों में जाकर ट्रैप करेगी। ऐसे मत कहिए सर,
इतने भी गिरे हुए नहीं है हम लोग। मुझे किस तरह से बात करनी है, मेरे बेटे की शादी कैसे होगी, तू डिसाइड करेगा। हाँ? मेरी गन कहाँ, मेरी गन लाओ, मेरी गन, मेरी गन। अरे हट पीआर, ए कार ले क्या। माय गुडनेस, लास्ट वीक हमारे स्कैन रिपोर्ट में बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ क्रांति, पीआर का बेटा। हेलो हेलो, क्या हुआ? चोट तो हल्की सी है बट इट इज वीक। दिमाग को ब्लड पहुंचाने वाली नसें बहुत कमजोर हो चुकी है। ऐसे में इंसान बौखलाया जाता है। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। ओके डॉक्टर। जब भी इन्हें तकलीफ हुई इमीडिएटली टैबलेट दीजिए, इन्हें बहुत आराम की जरूरत है, नहीं तो ऑपरेशन की नौबत आएगी। टेक केयर। ओके बेटे, उस दादू साले को। पिताजी प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स बोला ना, एक्साइट नहीं होना है, मैं देख लूंगा। प्लीज प्लीज पिताजी। ए आज से नकली नोट की प्रिंटिंग बंद। चलो चलो यहाँ से, ये जाओ रे। क्या बाबू, शेरू खामोश नहीं रहेगा। ये फैक्ट्री किसकी? तुम्हारे डैडी का। तो बीच में शेरू कौन? तू अपना काम देख, शेरू का बाप है अपन। हेलो क्रांति है, हम लोग इज्जतदार हैं, तुम्हारी तरह बड़े लोग नहीं हैं। आइंदा मुझसे मत मिलना, फोन भी मत करना। हेलो हेलो हेलो, टेंशन नहीं लेने का, वो मेरा बेटा है, मेरी बात सुनेगा। हाँ बाजू रख। फिर तुम्हारी बहू? तुम्हारी ही बेटी है भाई। क्रांति ने प्रेस बंद करवा दिया, सबको बाहर निकाल दिया। ये क्या हो रहा है? ए क्रांति इधर आओ, इधर आओ। क्या है वो, प्रेस क्यों बंद करवा दिया? बहुत कमा लिया आपने, बस है, डॉक्टर ने मना किया ना टेंशन लेने से, वो फालतू प्रेस की वजह से गड़बड़ होती है। ये सिगरेट अगर पियोगे तो मर जाओगे, ऐसा कहा डॉक्टर ने। ए लड्डू, क्या बोला मैंने? चलो निकालो ये सब, निकालो। यूं ही एक पैग छोटा सा, उसके बदले थोड़ा जहर दे दो ना जो तुम्हारे खून में है। अरे बात मत कर ऐसे, ससुर हैं तेरे है? ससुर? हाँ। ओहो, इसीलिए वैशाली के पिताजी को बुलाकर वार्निंग दी थी ना। प्रिया तुम्हें चाहती है, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है। डिसाइड मत करो, डिसाइड मत करो। प्रिया से पहले मैं वैशाली को डिसाइड कर चुका हूँ। डिसाइड मतलब मैं वादा कर चुका हूँ। एक्साइटमेंट हो, ये टैबलेट पिताजी, पिताजी रिलैक्स रिलैक्स, ये इसके बाद ये टॉपिक अगर निकला तो। बेचारे से बात तो कर लो ना। नहीं हेलो, मैं क्रांति हूँ, स्पीकर ऑन करो। क्रांति, वैशाली तुमसे बात करनी है। एक मौका दो। मैं लाइब्रेरी में हूँ। सिटी बस में लाइब्रेरी कब से खुल गई? हाँ तुम समझती हो मेरी जिंदगी में कई बदलाव आए हैं। हाँ, एक नया बदलाव है, तुम्हारा प्यार, और इसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। तुम्हारे पिताजी की जो बेइज्जती हुई उसका जवाब मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर ही दे सकता हूँ, मेरा यकीन करो। आई एम सॉरी। 136। मैं भी 136। अगले स्टॉप पे उतर जाओ ना। क्रांति क्रांति, वैशाली को गुंडे ले जा। ए, तू उसका हीरो क्या? उसे भूल जा, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे छोड़ेगा तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। डिसाइड कर दिया। क्रांति!
अरे काम हो गया क्या? शेरू, शेरू, शेरू! क्या हुआ बेटा? उसकी बेटी से मेरी शादी कराने के लिए वैशाली को मारने की कोशिश की। हाँ, ऐसा क्यों करेगा? ये उससे पूछो, फोन चेक करो इसका, इसकी मौत की खबर के लिए कैसा इंतजार कर रहा है। मेरे प्यार पे नजर डाली तो तू कोई भी हो काट डालूंगा। क्या ये सही? डैडी, आपने कहा था कि क्रांति से मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन इस तरह? छी, आपकी बेटी कहलाने के लिए मुझे शर्म आ रही है। मम्मी, हम कल ही न्यूयॉर्क चले जाएंगे। प्रिया, वैशाली, आई एम सॉरी, मेरे पिताजी को माफ कर दो। आई एम सॉरी प्रिया, पहले से तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। वैशाली, तुमने बहुत ही अच्छे इंसान को अपना पति चुना है। यू आर वेरी लकी। ओहो, कॉम्पिटिशन ही नहीं है, सिंगल हीरोइन के सिनेमा शुरू हुआ। Looking at you, mirror, dil is breaking. Oh re upia, ranjha mera mahia. I go crazy, teri khushboo hai intoxicating. Duniya patthar, tu mera heera. I go crazy, looking at you, mirror, dil is breaking. I go crazy, teri khushboo hai intoxicating. Oh baroodon se jo bhara, phuljhadiya husn ki na chula. खुशबू है इंटॉक्सिकेटिंग। ओरे ओरे रुपिया रांझा। Your eyes are making me so crazy. Tell me, girl, don't you just wanna be my baby? Show me all the things that make me lazy. Love is shining all over you, my love. मैं राधा तू मोहना, आ जाओ साजना, अभिषेक तू कर ले सब ये स्वीकार. Oh, shining, shining, baby, my smiling, smiling ruby. I'm shaking, जल्दी आके चूम लो ना. मेरे चाहते छूले तू मेरी खुशबू ले ले, तू मेरे कर सेवा आएगा तू मेवा. Let me show you nativa. I go crazy looking at you, mera dil is breaking. Ore ore rupiya ranjha. वर्णों की हंसिका, चुम्मा दो मुझे ना कहो ना. है सेक्सी सेक्सी लड़का, योर एक्सरे लुक्स है तड़का, अब क्या जरूरी है कोई झटका. चलवा
जब मैंने पाया बाहों को अपनाया तेरी सुल्फों की साया जैसे रब को पाया छकते छकते हंस के बेवफा आजा 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 सोना I go crazy तेरी खुशबू है intoxicating ओरे ओरे ओपिया रांझा मैडम और प्रिया चले गए भाई आपको इस हालत में देख नहीं सकता क्रांति आपके लेवल को नीचे उतार दिया पीआर भाई भी उसे ही सपोर्ट कर रहा है इतना होने के बाद हम यहाँ नहीं रह सकते हम अलग हो जाएंगे मैंने भी यही डिसाइड किया है पाप बेटे तोरों ने मिलकर मेरी वैल्यू नहीं रखी जायदाद में हिस्सा मांग रहे हैं हाँ भाई पीआर पिताजी मसाज में किसी से नहीं मिलते चल बच्चे ने बोल दिया ना मुझे पीआर से बात करनी है मुझसे बात करो ए, ये पीआर से बात करने का ही मामला है ऐसा पहले होता था अब यहाँ बीच में मैं हूँ मुझे कहो मुझको मेरा पैसा चाहिए मुझे मेरा हिस्सा चाहिए तेरा वो फालतू फेस और वो हिस्सा मुझे पसंद नहीं चल तुझे नौकरी से निकाल दिया चल फुट तो क्या ये कोई गवर्नमेंट जॉब है रिटायरमेंट के पैसे देने के लिए ए, नौकरी क्या दोनों ने मिलकर कमाया है मतलब तू नहीं तो पीआर नहीं नहीं मेरा हिस्सा मुझे चाहिए चल बोल कितना 50% यानी 250 करोड़ कागज के टुकड़े समझा क्या 1% भी नहीं दूंगा अब तक जो किया वो नौकरी थी क्या शेरू तुम्हारा गुलाम है ताश खेलने के लिए जोकर कंपलसरी है अरे क्या बकता है मैं जोकर हूँ क्या बक रहा है हाँ कुछ नहीं क्रांति भैया को शेरू अंकल मार रही है मैं जोकर हूँ मेरे बेटे पर हाथ उठाता है तेरे हाथ के नीचे काम करने वाला छोकरा समझा उसको मेरा बेटा है वो ए पीआर इसने मुझे नौकर कहा है इसे बता दे मैं कौन हूँ नौकर कहा इसे मुझे तुम्हारे घर का इसलिए हाँ पिताजी आपने सुना ये क्या कह रहा है ये नहीं तो आप नहीं धंधे में हिस्सा मांग रहा है ये सच है मैं नहीं तो ये पीआर भी नहीं ये पीआर भी एक जोकर है क्या पक रहा है जब से वैशाली के मैटर में टपकाने की सोच रहा था मेरे पिताजी का नाम याद तो क्या बोला तू हिस्सा चाहिए तुझे हाँ, मेरे पैसों का मेरे कारोबार का एक ही वारिस है मेरा बेटा हो पीआर तू सिर्फ मेरा नौकर है नौकर ए, पीआर मेरा बेटा मुझे चाहिए बस निकल जाओ यहाँ से चलो भाई खत्म कर दूंगा निकल जाओ आओ भाई आओ गेट आउट चलो गेट आउट पिताजी पिताजी एम्बुलेंस को बुला कुछ डिस्टर्ब हुआ क्या छोटी सी लड़ाई हो गई उसके बाद ये सिचुएशन इज वेरी बैड टैबलेट से रिकवरी नहीं होगी ऑपरेशन कंपलसरी लेट हुआ तो रिस्क है दादू भाई हमारे और तुम्हारे बीच में जो दुश्मनी है उसे भूल जाएंगे सब मिलकर पीआर को खत्म कर देंगे शेरू भी आपका साथ देगा आप हमारी मदद करो वेलकम फ्रेंड 20 साल के बाद फर्स्ट टाइम पीआर वीक हो गया और मैं स्ट्रांग इसीलिए बैरागी कहते ही तुम लोगों को बुलाया 20 साल की वफादारी के बदले भाई को अच्छा अच्छा सिला दिया दोनों ने मिलकर कमाई हुई करोड़ों की जायदाद हाथ से निकल गई बेटी सही सलामत है ना खुश रहो बाप बेटे दोनों खत्म होने चाहिए मुझे ज्यादा चाहिए 50% तुम ले लो सेम आइडिया लेकर हांगकांग से एक फ्रेंड आया हुआ है वीरू जी आ जाओ जब पीआर की पार्टी अब हम सब एक पार्टी एनिमी का एनिमी अपना फ्रेंड सब मिलकर उन्हें खत्म कर देंगे जब शहर में एक ही किंग दादू शेरू भाई पीआर मरिया तो उसकी दौलत उसके बेटे को जाएगी अगर बेटा मरा तो अनाथ आश्रम को जाएगी पहले दौलत छीन कर दोनों को एक साथ जुड़का देंगे हेलो भाई परसों पीआर का ऑपरेशन है
बचने का चांस 50-50। वही रहकर इन्फॉर्मेशन देते रहो, ठीक है? मेरी बात सुनो, पीआर का ऑपरेशन परसों है, जिंदा रहने की उम्मीद 50-50 है। अच्छा है, हम लोग मारने से पहले ही मर जाएगा। मर गया तो उसकी दौलत, जो भी हो काम ऑपरेशन से पहले होना। करेक्ट, पैसा हाथ में आते ही मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने मार डालो। पीआर के बेटे को उसी तरह उसके सामने मार डालूंगा। सुपर हिट तैयारियां करो। बेटा, बच्चे भगवान के समान हैं। तुम्हारे ठीक होने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। पिताजी, आपको कुछ भी नहीं होगा, ऑपरेशन ठीक हो जाएगा। देखा पिताजी, आपने कहा कोई रिलेशन सेंटिमेंट नहीं है, ये बच्चे आपसे कितना प्यार करते हैं, यही रिलेशन है। क्रांति, तुम्हें रिस्क डिक्लेरेशन पर साइन करना होगा। हॉस्पिटल पूरा खाली कर लो। प्लीज, केस सीरियस है। ज्यादा एक्साइट मत हो, ये अगर कोमा में चला गया तो बहुत मुश्किल होगी, इससे बहुत काम है। तुम्हें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑपरेशन करवाना होगा, तुम्हारे बेटे को जिंदा भी रखना होगा, तो तुम्हारी पूरी जायदाद मेरे नाम ट्रांसफर करवानी होगी। तुझे अपना बेटा चाहिए था ना, जायदाद भाई को दे दे। नहीं, नहीं दूंगा। पिताजी, आपसे बढ़के कोई दौलत नहीं है, दे दो, दे दो पिताजी। बेटा, वाह वाह, क्या सेंटीमेंट है। लॉयर सर, फॉर्मेलिटीज पूरी करो। ओके सर। पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे बेटे के नाम पे लिखो, वारिस है ना, बेच के मुझे देगा। पिताजी के लिए बहुत बहुत प्यार है ना। एपीआर हांगकांग फोन कर और बनर्जी को बोल कि टोटल पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। बनर्जी। हेलो बनर्जी। बोलो पीआर। पूरा पैसा इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। पूरा अमाउंट? शेरू। शेरू, शेरू के अकाउंट में। ओके। अकाउंट नंबर? थैंक यू। अकाउंट नंबर 42876। एसिड बैरागी भाई, इनके साथ जाओ और मुझे फोन करते रहना। बैंक हवाला सभी नेटवर्कों का इस्तेमाल करो, जमीन बंगला ब्लैक मनी सब कुछ। मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, पूरी जायदाद चाहिए, सुना? शेरो, तुझे जितनी भी दौलत चाहिए दे दूंगा, लेकिन इस बीच मेरे पिताजी को कुछ हुआ ना, तुम लोगों में से एक भी नहीं बचेगा, समझा? चल रहे बेटे, संभाल के बेटे ले जाओ। संभाल के। ये सभी ओरिजिनल नोट है, बाप बेटे को कुछ भी बचा नहीं, सब उड़ा लाया हूँ। 100 करोड़ लेकर इसे छोड़ देते हैं, क्या कहते हो? मैं भी वही सोच रहा हूँ। बस ध्यान आ गई। ए, चल, 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 गाड़ी आ गई। चलो चलो, ए, चलो चलो पैसे, चलो चलो, आगे बढ़ो। ये देखो पूरे पैसे। हाँ? पैसा कहाँ है? एसिड। अरे एसिड, क्या हो गया भाई? हाँ? पैसा कहाँ भाई? अरे मुझे क्या पूछ रहा है, पैसा कहाँ है? भाई भाई, पैसा इसी में तो रखा था, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। अब ये मैं कहाँ हूँ? ये तेरी तो बैरागी किधर है? कहाँ है बैरागी? भाई भाई, भाई, भाई पीआर का कहीं पता नहीं। हाँ, जल्दी निकालो,
ये समाधि क्यों हटा रहे हो? ये मेरी बीवी की है। समाधि उमाधि कुछ नहीं, ये सिर्फ सेटिंग है। बेटा क्रांति, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, तू मेरा पिता नहीं है। यकीन दिलाकर धोखा देना किसे कहते हैं? अब पता चला प्रेम राज, कई पाप करके जो इतनी सारी दौलत तूने कमाई वो अब मेरी है। समझ में नहीं आया दादाजी? याद आया, तेरे जिगरी दोस्त कृष्णा का बेटा हूं मैं। मैं आज तक जिंदा हूं, बदले की आग ने ही मुझे जिंदा रखा है। तुम्हें इस हालत में देखने के लिए 20 सालों से इंतजार कर रहा हूं। मेरे बेटे और बहू को मेरे आंखों के सामने मार डाला। तुमने सोचा हम भी मर गए, आखिरी पल में मैं और मेरा पोता बच निकले। हर कोई अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन मेरे पोते को तुझसे बदला लेने के लिए ही पाला हूं, तलवार की तरह तैयार किया हूं। कंत्री कहीं का? कंत्री हूं पर तेरा बेटा नहीं हूं। कंत्री बनकर तेरे साम्राज्य में एंटर हुआ। बैरागी, ये भी मेरा आदमी है, तेरे हाथों से कत्ल हुए शिवा का बेटा। उसके बाप ने जो गलती की इसने उस पाप को धो डाला। तेरा पता लगाकर 4 साल पहले इसको तेरी गैंग में ज्वाइन कराया, बाद में मैं भी एंटर हुआ। तेरी नजरों के सामने तेरे आदमियों से चक्रव्यूह बना के तुझे फंसा। वीकनेस सेंटिमेंट ना मानने वाले कमीने, तुझको बेटे के नाम से सेंटिमेंटल फूल बनाया, प्लान बनाकर तुझे और शेरू को अलग किया, आखिर में तुझे अकेला कर दिया। डॉक्टर झूठ, हॉस्पिटल झूठ, ऑपरेशन झूठा, प्रेमालय, फादर, बच्चे, समाधि सब झूठे। तेरे सर पे वो चोट भी मैंने ही की थी। तुझे कोई बीमारी नहीं है, वो भी मेरा एक नाटक था। तुझे नशे में लाने के लिए गोलियां मिलाई। जिस दौलत के पागलपन में तूने मेरे माँ बाप को मारकर करोड़ों कमाए, उसी दौलत को तुझसे दूर कर दिया। तुझे मारना एक पल का काम है मेरे लिए, लेकिन तेरे अंदर के शैतान को मारो, कहा मेरे दादा ने। तुझे माफ किया लेकिन फिर से हमसे पंगा लिया, तो मेरे दादाजी की तरह मैं शरीफ इंसान नहीं हूं। हेलो, मैं फादर डेविड साइमन नहीं, त्रिवेदी, फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट सप्लाई, ये सभी आर्टिस्ट हैं। सुना है तुम्हारा पूरा पैसा हड़प कर लिया गया, अब तुम क्या करोगे? ओह, एक काम करो, हमारे साथ आ जाओ, 200 रुपया भत्ता, सुबह शाम फूड फ्री। आंखें बढ़िया है रे, डायलॉग भी अच्छा बोल लिया तो। एक बड़ा एक्टर बनकर तुम्हारी वजह से सिनेमा चले रेंज को पहुंच जाओगे। अच्छा, ये क्या कंफ्यूजन है, जो हाथ में आया उसे छोड़ दिया। बेकार में मैंने इनसे हाथ मिलाया, मैं ही ढेर एक तबका देता था साले पीआर को। ये क्या हो रहा मेरी समझ में नहीं आ रहा। शेरो, हाँ पीआर, पीआर,
बेईमानी किया, वो मेरा बेटा नहीं है। क्या बात कर रहे हो पियार? ईमान से, वो कमीना किशन का लड़का है। वो बूढ़ा अभी तक जिंदा है। हम दोनों को बेवकूफ बनाकर पूरा पैसा। यार दादू, तुम्हारी मदद चाहिए। दादू के शरण में जो भी आया वो दोस्त है। पूछने वाला ग्रेट पियार। मुझे क्यों रे फ्रेंडशिप की बातें? मुझे तो इसकी जान चाहिए। मार डालूंगा साले को, मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं साले को, मार डालूंगा। आखिर पीआर कहलाया दोस्त, बीच में इसका डिस्टर्बेंस क्या? दादू, उसने मेरी वीकनेस का फायदा उठाया। बैरागी साला मुझे बेवकूफ बनाया। क्रांति को मारना है, कैसे पकड़े? इन्हें गाड़ी में बिठाओ। बोलो क्रांति। बैरागी, वैशाली की फैमिली गांव पहुंच चुकी है। हमारा बैंक का काम खत्म होते ही हम भी यहाँ से निकलेंगे। तू चंदू को ले और आउटस्कर्ट्स में मिल, ठीक है? ठीक है, निकल रहा हूँ। हांगकांग का अमाउंट, इंडिया प्रॉपर्टी का अमाउंट, कैश में डिपॉजिट किए हुए 30 करोड़ रुपए आपके पिताजी के नाम के चैरिटेबल ट्रस्ट में डिपॉजिट कर दिए गए हैं। अब आप समाज सेवा शुरू कर सकते हैं। सर ये रहा। थैंक यू सर। थैंक यू। आइए दादाजी, समझ गए। हाँ बैरागी, बोल। बैरागी नहीं, तेरा बाप। सॉरी, आदत सी पड़ गई है। बैरागी कहाँ है? बैरागी वो लौंडा मेरे पास है। गोल किले के पास आकर मेरी दौलत देकर इसे जिंदा लेकर जाओ। बैरागी, क्या हुआ? छोटा प्यार के पास है। बैरागी, क्रांति, छोटा प्यार के पास है, उसे बचा लो, उसे। बैरागी, बैरागी,
जाके दोहरे। मार डालूंगा, मार डाल, मार उसे, वही है तेरा बेटा, मारना। तू जब अपनी बीवी को छोड़ के चला गया था ना, मेरे दादा ने उसको पाला पोसा बड़ा किया, मेरे भाई की तरह पाला उसको, मार दे। तेरे किए हुए पापों की सजा वो भुगत रहा है। मैंने बोला था ना, मैं मेरे दादाजी की तरह अच्छा आदमी नहीं हूं। I go crazy, तेरी खुशबू है intoxicating। Your eyes are making me so crazy. Tell me, girl, don't you just wanna be my baby? Show me all the things that make me lazy. Love is shining all over you, my love. My Radha, tu Mohana, aaja wo Sanjana. Abhishek, tu kar le sab ye sweetheart. Oh, shining, shining, baby. My smiling, smiling ruby. I'm shaking, jaldi aake chumlo na. मेरे चाहते छू ले, तू मेरी खुशबू ले ले, तू मेरे कर से